अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, जी बी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देख सकते हो आप हमारे पीछे ये जो लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी है, ये कोई खाना या राशन लेने के लिए नहीं लगी है दोस्तों। ये आपको बता दें कि ये सिर्फ दारू, वाइन, लिकर और बियर, कोई भी भाषा में इसे बोलना जाए, ये अल्कोहल लेने के लिए खड़े हैं। ये इतनी लंबी लाइन जो लगी है हमारे पीछे, ये आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि मतलब ये जो खुली है वाइन शॉप, इसमें क्या लगता है भाई, आपसे जानना चाहेंगे। हेलो दोस्त, हेलो दोस्त, कुमार भाई, क्या लग रहा है आपको, ये सही हो रहा है जो गर्दी लगी है? सोशल गर्दी लगी है इधर पे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं हो रहा है, सही लग रहा है आपको? अभी 50 दिन हो गया, लोग को पियाने वियाने अभी उसका होता है, सब लेके पीना चाहते हैं। मतलब सभी लोग खुश है कि ये जो चीज़ हो रही है, इसके लिए खुश है सब लोग, पीने वाला खुश है। देख सकते हो अभी पुलिस की जो एक वैन है यहाँ पर आ चुकी है, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन शुरू हो गया है। जब तक ये पुलिस कर्मचारियों की गाड़ी जो है ये नहीं आती है, दूर रहती है, जब तक ये नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, भीड़ लगाते हैं, और जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी आती है ऑटोमेटिकली जो है ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। मतलब टोटली देख सकते हो आप, पुलिस प्रशासन की आंखों में धोखा और धूल झोंकने की कोशिश चल रही है। वाइन शॉप्स जो खुले हुए हैं, आप में से कितने लोग खुश है वाइन शॉप जो खुली हुई है इसकी वजह से, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इस चीज़ में। और एक भाई हमारे यहाँ खड़े, भाई आप भी लाइन में लगे हो? लाइन में थे लेकिन डेढ़ महीना तड़प रहे पब्लिक, वही अपन कोशिश कर रहे, लेकिन कोरोना नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। कितनी खुशी महसूस हो रही है वाइन शॉप खुलने से? खुशी विशी कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो जो चल रहा है वो ये 3000 रुपये कम्बे से लेने से अच्छा जो आदमी 200 रुपये दे रहा है वो उसकी बड़ी बात है, उसके बाद और क्या चाहिए आपको? आपको आपको खुशी है कि लेकर शॉप खुल गया? खुशी है, सबको सबको खुशी है भाई, हमको खुशी नहीं है तो पूरा दुनिया चिता को खुशी है। लेकिन बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ अपने को जो मिल रहा था 3000 रुपये कम्बा, 2000 रुपये कम्बा, जो दो माल जो माल मिलता है, 150 रुपये का माल मिलता है, 1500 का मिलता है, तो हर आदमी को जो गरीब लोग को अपने को मिल रहा है, दो पैसा मिल रहा है, कब बच्चा तैयार रहेगा, तो उसकी बड़ी बात नहीं है। मतलब आप सभी लोगों में खुशी से छाई हुई है कि मतलब हमारी को जो हाँ। उसके बाद होगा क्या भाई, जो दारू पिएगा तो उसको कोरोना नहीं होगा, बड़ा ओपा ओपा, ये तो फेक न्यूज़ है ना कि दारू पीने से कोरोना नहीं होगा, ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं। उसके बाद हम नहीं बात, हमको जो ऊपर से जो ऊपर था हमने वो बात कर रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, तो हमको उसको मालूम, हमको तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं, हम तो मेडिकल क्लास में तो पढ़ के नहीं आया, हम तो दूसरी तीसरे पहले हम लोग आपकी दवाई यही है, ये दवाई है हम जो पी रहे खा रहे थे हम लोग उसके जमाने में, तो सामने वाले बोल रहा था भाई उसके बाद ये जो भी निकलेगा तो भाई उसके बाद अच्छे निकले, तो भाई ऊपर जो भी दिया तो वो भी अच्छे रिवर्स है, तो उसके बाद दे दो, जो सामने लोग जो रिवर्स है जो उसके रिवर्स के बारे में बात नहीं कर सकता है। जैसे आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लोग जो है वो वाइन जो खुली है, लिकर शॉप जो खुली है, उसमें जो दारू को दवा समझने वाले लोग हैं ये बहुत ही खुश है। और जी जी बोलिए, और बात बोला, जो भी अपने जो चिता में जो पब्लिक अपने जो बहुत बड़े पब्लिक अपना, तो बहुत बड़ा रिवर्स आई नहीं है, एक दो घंटे में अपना ये जो भी एक वाइन साहब है, वाइन साहब एक घंटे में, दो घंटे में, डेढ़ घंटे में अपना हो जाने वाला है, तो इसके बाद में जो भी है आधा घंटे या दो घंटे में अपना काम होने वाला है, तो इसके बाद में उसके बाद में जो भी है जो पब्लिक निकलेगा तो उसके बाद रेवस जो है तो उसके ऊपर ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा बात किया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हो ये जो वाइन शॉप है यहाँ पर ये गर्दी लगाई गई है, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, लगे हुए सब अपने अपने कामों में। और देख सकते हो आप कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि बाज़ार जो है वो बाज़ार में ज़्यादा गर्दी ना लगाया जाए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था बाज़ार के अंदर। अब उसी तरीके की एक गर्दी, एक लाइन जो है ये वाइन शॉप चिता कैम्प पहलीपाड़ा में जो वाइन शॉप है वहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी पब्लिक जो है, जिन लोगों के पास में बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि खाने की तकलीफ़ है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, क्या दारू लेने के लिए पैसे नहीं लगते? क्या दारू या लेकर फ्री में बट रही है? आप देख सकते हो सभी के हाथ में अच्छे खासे पैसे हैं, और सभी जो है आपने एक वीडियो अभी छोटा शॉर्ट क्लिप देखा होगा, उसमें लोग जो है 10-10 12-12 पीस जो है वो अपने घर पर ले जा रहे हैं, ताकि पता नहीं कि ये जो चीज़ है कब तक चलेगी, कब बंद हो जाएगी। कैमरामैन आज़ाद संजर के साथ में सलमान शेख, जी बी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। ये है हमारा विक्रोली पार्क साइट, ये है दारू। लॉकडाउन सरकार ने जो दारू चालू किया है,
उसके लिए पब्लिक दारू के लिए रोड पे आई हुई है। ये पूरी पब्लिक रोड पे दारू के लिए आई है और यहाँ शहरी के लिए बेकरी नहीं खोलने देते पाव और दूध लेने के लिए, और दारू के लिए सरकार ने परमिशन दिया है, तो यह हाल है लॉकडाउन का। ये पालन हो रहा है लॉकडाउन का। पुलिस लूट मची है दारू के लिए, यहाँ इंसान को खाने के लिए नहीं है। पुलिस वाले वो मैनेज कर रहे हैं। लाइन लग रही है दारू के लिए, रुको इधर ही, ये देखो लाइन लगी है दारू के लिए। पुलिस के पास खाने के लिए नहीं है। एक मिनट रुको, एक यहाँ लूट मची है, ये लाइन है, ये लॉकडाउन का पालन है। लोगों को खाने के लिए नहीं है, शहरी में दुकानें नहीं खोलने देते हैं, और दारू के लिए लाइन लगी है। ये विक्रोली पार्क साइड रोड नंबर एक। पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। ये है दारू की लाइन, दारू लेने के लिए लोग टूट पड़ी है। जस्मिन वाइन शॉप और न्यू लुक वाइन शॉप, ये है हमारा विक्रोली पार्क से। इंसान अनाज के लिए मर रहा है, ये लॉकडाउन है। मैं भी लाइन लगाने का देख रहा हूँ कितना लंबा है।
Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you. Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.